चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हेलो दोस्तों, मार्केट पाठशाला के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक डेढ़ महीना पहले एक एपिसोड बनाया था मार्केट आउटलुक 2018। उसमें मैंने कहा था कि इंडिया की बुल मार्केट तो अभी शुरू भी नहीं हुई है और डॉलर टर्म्स में हमने अभी सिर्फ 2008 का हाई काटा है या उसके आसपास पहुंचे हैं। तो बहुत सारे लोगों के हमारे पास मेल्स आए, क्वेश्चन आए कि सर डॉलर टर्म्स का क्या मतलब है और हमारी मार्केट तो 2008 से काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुकी है और आप अभी बोल रहे हैं कि बुल मार्केट अभी शुरू भी नहीं हुई या अभी अभी शुरू हुई है, इसका क्या मतलब है। तो आइए समझते हैं आज के पाठ में कि मेरा उस बात को कहने का क्या मतलब था और डॉलर टर्म्स के अंदर इंडेक्सेस को किस तरह से देखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पाठ से। सबसे पहले हमें ये समझ लेना ज़रूरी है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जब भी किसी चीज़ का भाव डाला जाता है या किसी चीज़ की कीमत का अंदाज़ा लगाया जाता है तो वो कैसे लगाया जाता। वर्ल्ड वाइड जो करेंसीज होती हैं, जो एक्सेप्टेबल करेंसीज हैं, जितनी भी चीज़ों के रेट हैं एक्चुअली उनमें देखे जाते हैं। जैसे कि आपके हाथ में आज मोबाइल फ़ोन है, आप मोबाइल फ़ोन चाहे 40,000 का लाए हों, चाहे 1,00,000 का लाए हों, लेकिन वर्ल्ड वाइड उसका रेट जो है वो डॉलर में देखा जाता है। हर असेट क्लास का रेट वर्ल्ड वाइड डॉलर में देखा जाता है क्योंकि डॉलर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल करेंसी है। तो जैसे एप्पल का अगर फोन है, उसका रेट अगर $1,000 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा रुपया क्या रेट चल रहा है। अगर हमारा रुपया 40 रुपये होगा तो इस फोन का रेट 40,000, अगर रुपया 70 होगा तो इस फोन का रेट 70,000। तो इसलिए उसका रेट $1,000 ही रहेगा, चाहे हमारे इंडिया में आके वो रेट चेंज हो जाए या किसी दूसरी कंट्री में जाके, चाइना में या किसी और कंट्री में उसका रेट चेंज हो जाए डॉलर के सामने, जिस तरह से उस कंट्री की इक्वेशन है करेंसी की। तो इसी तरह से हर असेट क्लास को हम डॉलर के अंदर नाप कर देखते हैं, ऐसे ही हमारी इक्विटी मार्केट में या हमारी कंपनियां या जो शेयर प्राइजेस हैं उनका भी बेंचमार्क जो रेट है वो डॉलर में नापा जाता है। और जो बाहर की कंपनियां या एफआईज आते हैं यहां पर पैसा लगाने के लिए, वो रुपी में पैसा लेके दोस्तों नहीं आते हैं, वो डॉलर में पैसा लेके आते हैं। हम जब कंपैरिजन करते हैं तो 2008 के अंदर जो रुपए का रेट था डॉलर के सामने वो करीबन 35 रुपए से 40 रुपए के बीच में था और आज की डेट में आप जैसे जानते हैं 65 रुपए से 70 रुपए के आसपास वो डॉलर का रेट चलता है। तो यानी कि उस समय से लेकर आज तक हमारा रुपया डॉलर के सामने 60-70% से ज्यादा कमजोर हो चुका है। इसका मतलब हमारे लिए क्या है? इसका मतलब है अगर वही एप्पल का फोन $1,000 का 2008 में होता तो हमें 40,000 का मिल रहा होता। आज वही एप्पल का फोन अगर $1,000 का है तो हमें 70,000 रुपए में मिल रहा है। तो यानी कि उस एप्पल फोन के प्राइस चाहे हमारे लिए ऊपर गए हों, लेकिन यूएस के अंदर, यूएस डॉलर में उसके भाव नहीं बढ़े हैं। अब जब मैंने उस वीडियो के अंदर कहा था कि डॉलर टर्म्स में 2008 पे जो हाई लगाया था हमारे सेंसेक्स ने या हमारी निफ्टी ने, वो आज तक अभी नहीं कटा है और हम वहीं कहीं काम कर रहे हैं, उसका मतलब ये था कि डॉलर में अगर हम आंकेंगे तो सेंसेक्स का 2008 का हाई आज भी वही रेट पे हैं, हम कहीं नहीं गए। जितना भी हमें ये ऊपर दिख रहा है वो सारा का सारा रुपी की डेप्रिसिएशन की वजह से है। मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूं, ये हमारा 2008 का हाई था, वो 2008 के बाद हमने यहां पे करेक्शन की और अब हम यहां पर कहीं पहुंचे हैं 2018 में। ये है डॉलेक्स, जिसको हम कहते हैं डॉलर
डॉलर टर्म्स में सेंसेक्स, इसको डॉलेक्स 30 भी कहा जाता है, डॉलेक्स 30, यानी कि जो हमारा सेंसेक्स है उसको हम डॉलर टर्म्स में जब लेके जाएंगे तो उसका जो चार्ट है वो ये बोल रहा है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे भी चार्ट आ रहा है, आप देख सकते हैं कि 2008 में जो हाई लगाया था, अभी रीसेंट पिछले एक दो महीने पहले हमने वो हाई काटा था, जब हमारा सेंसेक्स जो है 35-36 हजार के आसपास गया और 11 हजार के आसपास निफ्टी गई, लेकिन उसके बाद हम इमिडिएटली वापिस आ गए और अभी हम उसी हाई के आसपास, 2018 के हाई के आसपास काम कर रहे हैं। जबकि अगर आप रुपी के अंदर हमारा चार्ट देखेंगे, जो कि हमारी निफ्टी का चार्ट है, तो आपको ऐसे दिखेगा कि ये चार्ट यहां पर पहुंच चुका है, ये वाला हाई था 6300 का और अभी हमने 11000 का हाई लगाया है, तो आपको लगेगा कि हमने बहुत ज्यादा ऊपर की चढ़ाई कर ली है, लेकिन असल में डॉलर टर्म्स में अभी हम यही हैं, अभी हम कहीं नहीं गए। और खाली इंडिया की बात नहीं है, टोटल इमर्जिंग मार्केट जो हैं, जैसे ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, आप इनका चार्ट देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है MSCI इमर्जिंग मार्केट का पिछले 20 साल का चार्ट। इस चार्ट को आप देखेंगे, आपको खुद मालूम चल जाएगा कि 2008 का जो MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स था वो अभी तक कटा भी नहीं है, यानी कि उसके हाई के पास भी नहीं गए हैं हम। तो दोस्तों, बुल मार्केट का मतलब ये होता है कि पुराना वाला जो भी हाई बना हुआ है, एक बार वो क्रॉस होगा, उसके ऊपर जाके जब वो चार्ट, जब मार्केट सस्टेन करेगी, तब हम मानते हैं कि इसकी नई बुल साइकिल शुरू हो चुकी है। तो MSCI इमर्जिंग मार्केट का जो इंडेक्स है, जो चार्ट है, वो ये दिखा रहा है कि इमर्जिंग मार्केट के अंदर जो कि उभरते हुए बाजार कहे जाते हैं, उनके अंदर तो अभी बुल मार्केट की शुरुआत भी नहीं हुई है। पिछले 10 सालों के अंदर जो भी तेजी आप देख रहे हो, वो सारी की सारी तेजी एक्चुअली US मार्केट की थी। जैसे आपकी स्क्रीन पे S&P 500 का चार्ट भी आ रहा है, आप देखेंगे कि 2008 का जो हाई है उसके बाद 2018 के हाई में कितना फर्क है, वो इंडेक्स 40% ऊपर आ चुका है उस हाई से जो S&P 500 ने लगाया था। तो कुल मिला के हमको ये बात समझनी होगी कि ये जो तेजी हम देख रहे हैं, ये जो तेजी चल रही थी, ये हमारी तेजी नहीं थी, ये उभरते हुए बाजार उनकी तेजी नहीं थी, ये तेजी थी सिर्फ US की, और इस पूरी तेजी को US ने लीड किया है, हम लोग सिर्फ उसको फॉलो करते हैं, इसीलिए कभी नीचे आ जाते हैं, कभी ऊपर जाते हैं। और पिछले एक साल में 2017 के अंदर US की मार्केट ने एक्सपोनेंशियल राइज दिया है, बिल्कुल सीधी चाल आई है उसके अंदर एक, इसीलिए हमने देखा 2017 के अंदर हर मार्केट के अंदर सीधी चाल देखने को मिली, क्योंकि वो US मार्केट का एक्चुअली इफेक्ट था हमारे ऊपर, हमारा उसके अंदर कोई भी लेना देना नहीं था। तो अब इस पूरी एनालिसिस से हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें सीखने को ये मिलता है कि हमारी मार्केटों के अंदर या हमारे जैसे जो बाजार हैं उनके अंदर तेजी अभी बहुत आनी बाकी है। मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि अभी जो ये करेक्शन आ रही है, एक्चुअली ये करेक्शन US की तरफ से आएगी, क्योंकि उस मार्केट के अंदर बहुत बड़ी तेजी बन चुकी है ऑलरेडी पिछले 10 साल में, तो ये करेक्शन उसकी आएगी और हो सकता है वो बाजार आने वाले 3-4 साल तक परफॉर्म ना करें। इस दौरान जब ये करेक्शन अभी शुरू हुई है, तो ये भी हो सकता है कि हमारे बाजार या हमारे जैसे बाजार आने वाले 6-8 महीने अंडर परफॉर्म करें, लेकिन दोस्तों जिस तरह से मेरा चार्ट का देखना है, मैं आज आपको ये कह सकता हूं कि आने वाले जो 10 साल हैं एक्चुअली वो इमर्जिंग मार्केट्स के रहने वाले हैं, जिसमें हमारा बाजार भी आता है और हमारे जैसे कई बाजार आते हैं। पिछला वाला जो डेकेड था 2009 से लेकर ये 2018-19 तक का, ये पूरा का पूरा US के नाम था, लेकिन 2019
2019 से 2029 का जो डेकेड होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, मैं चार्ट देख पा रहा हूं कि वो डेकेड जो है वो इंडिया का रह सकता है और इंडिया जैसी मार्केटों का रह सकता है। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि ये जो 6300 का हमने हाई बनाया था और अभी हम 11000 पे हैं, ये जो तेजी है ये पूरी तेजी सिर्फ रुपी की कमजोरी की वजह से है। जो एप्पल का फोन आपको पहले 40,000 का मिल रहा था, आज वही आपको 70,000 का मिल रहा है, बस इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो हम ये समझ रहे हैं कि हमारी मार्केट बहुत ऊपर चली गई, लेकिन ऊपर नहीं गई। उस एप्पल के फोन का रेट आज भी $1,000 है, यानी कि डॉलर टर्म्स में आज भी हमारी मार्केट 6,000 के आसपास काम कर रही है। तो इसका मतलब जो FIs हैं, आप उनके नजरिए से सोचिए, बाहर बैठ जाइए, यहां से वहां सोचिए, उनके लिए हमारी मार्केट कितनी अट्रैक्टिव है, क्योंकि उनका जो अपना देश है वहां पर पिछले 10 सालों की बहुत बड़ी तेजी ऑलरेडी हो चुकी है। तो अगर आने वाले दिनों में वहां से पैसा वो निकालते हैं या प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो उनके पास जाने के लिए जगहें कौन सी हैं, वो जगहें जहां पर अभी बहुत बड़ी तेजी नहीं आई है। तो इसीलिए मैंने उस वीडियो के अंदर कहा था कि हिंदुस्तान के बाजारों में, इंडियन मार्केट के अंदर, तो अभी तेजी की शुरुआत भी नहीं हुई है। और जिस दिन ये तेजी की शुरुआत होगी, यानी कि डॉलर टर्म्स के अंदर जिस दिन वो हाई हमारा अच्छे से कट जाएगा, उस दिन आपको बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। अभी आपकी स्क्रीन पे फिर चार्ट आ रहा है, आप देख रहे हैं डॉलर टर्म्स में Dollex-30 के अंदर अभी हम वहीं पे ही काम कर रहे हैं जो हमारे 2008 का हाई था। तो इससे जब हम ऊपर निकलते हैं, उसके बाद आप उस तेजी की कल्पना भी नहीं कर सकते। हो सकता है हमारी निफ्टी यहां से 4 गुना भी हो जाए, जो कि मैंने अपने उस वीडियो में भी कहा था। हालांकि इसमें 5-10 साल का समय लग सकता है, लेकिन इसमें एक दो बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि US मार्केट के अंदर अभी गिरावट की शुरुआत हुई है, तो इस दौरान ये हो सकता है कि US मार्केट के साथ हम भी अंडर परफॉर्म करें। लेकिन जैसा मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि हमारे यहां पे टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा हो सकती है, भाव हो सकता है ज्यादा ना टूट, तो आने वाले एक आध साल में 2018-19 तक आपको थोड़ा संभल कर काम करना है। अच्छे स्टॉक अगर आपको नीचे मिले वहां पर इकट्ठा करते रहिए, और इस मार्केट के अंदर जिस दिन भी आप देखें कि डॉलर टर्म्स के अंदर बड़ी चाल आ रही है या उसकी कोई संकेत आने लगे हैं, तो उस चीज को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अगर कभी भी ऐसा होता हुआ दिखेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो मुझे आशा है मेरे वो दोस्त जिन्होंने पूछा था कि सर डॉलेक्स क्या होता है, डॉलर टर्म्स में इंडेक्सेस को कैसे देखा जाता है और इसका क्या मतलब है, उनको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए, हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर अच्छा लगा इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।